हमने इस बार नवरात्रि में आने वाले हर व्यक्ति का मंगल हो जाए, इसलिए सबके लिए सुबह 7 बजे से 9 बजे तक अभिषेक रखा, आधा लीटर दूध का लोटा दिया जाएगा, केसर डाला हुआ, और केसर भी ऐसा नहीं, किलों के हिसाब से डाला हुआ केसर, और वो केसर का दूध माँ के ऊपर अपने हाथ से लोटे में डालो और माँ को वो अभिषेक हो। और फिर 10:30 बजे से 2 बजे तक आप सब रोज एक देवी की 10 दिन तक 10 देवियों की साधना करो। 3 बजे से 5 बजे तक विभिन्न स्तोत्र मंत्र के साथ देवी भागवत की कथा सुनो। 5 से 8 बजे तक 108 कुंडों में होने वाले यज्ञ का दर्शन करो। एक कुंड का हवन देके तो भी 1000 गुना पुण्य आ जाता है, तो 108 कुंडों का दर्शन करने के बाद उधर निकलने वाली ऊर्जा कितनी होगी, अगर 108 कुंडों में एक साथ यज्ञ हो, वो भी प्राचीन पद्धति से चंदन की लकड़ियों से, सफेद चंदन, लाल चंदन, अगर तगर, देवदारू, पीला चंदन आदि चंदन की लकड़ियों से, बादाम, काजू, द्राक्ष, मेवों से, विभिन्न शुद्ध गाय के घी से, हजारों किलो मेवा, हजारों किलो चंदन, हजारों किलो सामग्री डाली जाती है, और 108 कुंडों में विधिवत शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ 10 दिन तक वो भी नवरात्रि जैसे विशेष पर्वों में यज्ञ हो। सिर्फ 500 रुपया एक व्यक्ति दे दे, मात्र एक दिन का 500 रुपया, तो 500 रुपये में आधा लीटर केसर के दूध से अपने हाथ से माँ का अभिषेक करेगा, तीनों समय भोजन करेगा, ठहरने की सामूहिक व्यवस्था पाएगा, रात में अपने हाथ से माँ का 5 दीपक से आरती करेगा, हर दिन 10 दिन तक एक दिन का 500 भर देगा, तो अभिषेक भी करेगा, 3 टाइम भोजन भी करेगा, ठहरने की व्यवस्था भी पाएगा, शाम को अपने हाथ से घी से बने हुए 5 दीपकों की आरती करेगा, अगले दिन नए दीपकों से वापस आरती करेगा, नए लोटे से दूध का अभिषेक करेगा, और साधना भी 10 दिन करेगा, कथा भी सुनेगा, कथा में कई प्रकार के ज्ञान को भी प्राप्त करेगा, और 108 कुंडों में होने वाले यज्ञ आराधना में बैठ करके पूरे यज्ञ का संपूर्ण लाभ प्राप्त करेगा, जीवन को धन्य करेगा। उसके लिए 500 देके कुल 10 दिन का 5000 अगर देगा, तो अंतिम दिन में 1000 रुपये का दिव्य सिद्ध लक्ष्मी यंत्र जो 10 दिन तक 108 कुंडों में रख के सिद्ध किया, वो लक्ष्मी यंत्र भी निशुल्क प्राप्त करेगा उसी 5000 रुपए में। अगर आप 3 दिन 5 दिन या 10 दिन भी ठहर रहे हैं या 1 दिन भी ठहरे, 5000 रुपया भरने के बाद आपको यंत्र भी दिया जाएगा, ठहरने की व्यवस्था भी दी जाएगी, दूध भी अभिषेक के लिए दिया जाएगा, दीपक भी रोज आरती के लिए दिया जाएगा, आपके हाथ से आरती कराई जाएगी, तीनों समय भोजन भी दिया जाएगा, ठहरने की भी व्यवस्था दी जाएगी, और कम से कम 5 करोड़ रुपए के खर्चे में जो पंडाल बन रहा है वो तो आपको बिल्कुल निशुल्क बैठ के देखने का लाभ मिलेगा। उस पंडाल में 21 अलग अलग दुर्गा की मूर्तियां बनेगी, जिसका दर्शन करके हम जीवन को धन्य करेंगे। मैंने पहले ही कहा, हम किसी लोभ या स्वार्थ के कारण आते हैं, तो बोलो लोभ और स्वार्थ हमारे आभा मंडल को बिगाड़ता है, उसी कारण तीर्थ स्थलों में वांछित परिणाम हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने इस बार नवरात्रि में ऐसा पंडाल बनाया है, कैसा भी व्यक्ति आए इस दिव्य वातावरण को देखते ही वो आश्चर्यजनक श्रद्धा में आ जाए, उसका आभा मंडल बदल जाए, और क्षण में वो जो उसका शुभ आभा मंडल है यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा को शरीर में ग्रहण कर ले, और वो शरीर जो सकारात्मक हो गया है आगे जाके सकारात्मक जीवन का पूंजी बन जाए, धन दौलत सुख शांति से उसका जीवन परिपूर्ण हो जाए। ऐसा एक दिव्य नवरात्रि आपके जीवन में एक ही बार आ रहा है, क्योंकि इस बार मैं कृष्णगिरी में नवरात्रि कर रहा हूं, तो 108 कुंडों में लक्ष्मी यज्ञ कर रहा हूं, एक कुंड में 10 दिन तक यज्ञ करने के लिए चंदन की लकड़ियां, जिसमें सफेद चंदन, लाल चंदन, काला चंदन, अगर तगर, देवदारू की लकड़ियां, शुद्ध गाय का घी, एक पंडित आपके लिए बैठ के घी होमेंगे, बाकी आप बैठ के खुद आहुति होमेंगे, उसमें सुपारी, हल्दी गांठ, सरसों, गुगुल, बादाम, काजू, द्राक्ष,
और पीले सरसों, ऐसे अनेकों चीज भर के रोज हवन करेंगे 25,000 एक कुंड का एक दिन का, तो 10 दिन का 251,000 दे के आप पूरे एक कुंड में 10 दिन तक यज्ञ करवा सकते हैं। सिर्फ 251,000 में आपके नाम से 10 दिन तक ये सभी चंदन की लकड़ियां, घी, मेवे और औषधियां डाल के 10 दिन तक सिर्फ 2.5 लाख में यज्ञ होगा। और वो कुटीर आप देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ऋषि मुनियों के जमाने का वो कुटीर आज इस धरती में कृष्णगिरी में जो बना है, शुद्ध मंत्रोच्चार के साथ, विधिवत आराधना के साथ जो हवन हो रहा है, आप आ सकते हैं तो अपने हाथ से बैठ के आहुति कर पाएंगे। आप नहीं आ सकते हैं तो आपके नाम से पंडित जी बैठ के पूरा यज्ञ करके अंत में यज्ञ का प्रसाद आपके एड्रेस पर पार्सल किया जाएगा, यज्ञ का भस्म आपको यंत्र के साथ भेजा जाएगा। और जो 5,000 रुपया दे रहे हैं, जो 5,000 रुपया लगा रहे हैं, वो 5,000 रुपया देने वालों को हर दिन 500 रुपये में अभिषेक, शाम को आरती, तीनों समय भोजन, ठहरने की व्यवस्था, यज्ञ देखने का आशीर्वाद, कथा सुनने का प्रभाव, सुबह में पूरा 10 दिन साधना करने का लाभ मात्र प्रतिदिन 500 रुपये में। और वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा पंडाल ये नवरात्रि का जो बन रहा है, इस नवरात्रि के पंडाल को आप देखने के लिए दुनिया में कहीं जाओ तो उनको कृष्णगिरी आना पड़ेगा।